तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? टाइगर को कौन करने जा रहा है रिप्लेस? क्या टाइगर सच में इतने बिजी हैं या है कोई बात? बागी के पीछे हटने से क्या असर पड़ेगा मूवी की कमाई पर? आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की ऐसी मूवी जिसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म रैम्बो रीमेक का ऐलान काफी वक्त पहले हुआ था। तब से इस फिल्म की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाई। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म के टाइगर श्रॉफ एक माचो मैन के रोल में दिखने वाले हैं। अब उनकी फिल्म का ऐलान करते हुए मेकर्स ने धमाकेदार पोस्टर भी रिलीज किया था, जिसे देखने के बाद इस फिल्म का क्रेज फैंस के बीच काफी बढ़ गया। इसके बाद एक्टर अपनी दूसरी फिल्मों बागी 2, बागी 3 और वॉर में बिजी हो गए। इस वक्त में एक्टर टाइगर श्रॉफ के हाथों कई फिल्में, ऐसे में ये प्रोजेक्ट लगातार लेट होता जा रहा है। और अब इस फिल्म के बीच रिपोर्ट सामने आई है कि इस फिल्म का निर्देशक सिद्धार्थ आनंद नए एक्टर के साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की मानो तो इसके लिए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने साउथ सुपरस्टार प्रभास को अप्रोच किया। यही नहीं, प्रभास को इस फिल्म का आइडिया भी काफी पसंद आया। ऐसे में हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ को सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने पहले भी गणपत 1 और 2 हीरोपंती और 2 बागी 4 के लिए डेट्स दी, मतलब वो अगले साल के अंत तक पूरा बिजी हैं। प्रभास को लेकर सूत्रों ने कहा, सिद्धार्थ आनंद ने टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस करने के लिए प्रभास को अप्रोच किया है। अब ये बात काफी शुरुआती स्तर पर है। सुपरस्टार प्रभास को ये आइडिया पसंद भी आया है और इसके अलावा मेकर्स को लगता है कि प्रभास की एंट्री इस फिल्म को पैन इंडिया पर पहुंचा देगी। फिल्म में उनका जो अपीयरेंस इसके बिल्कुल नया विजन दे देगा। अब देखना होगा कि क्या प्रभास अपने वक्त फिल्म को दे पाएंगे। लेकिन ये बात अभी भी टाइगर के जाने से उनका फैन बेस रैम्बो को कहीं से कहीं तक पहुंचा देगा ये नहीं पता, जिसके रैम्बो की कमाई पर काफी बुरा असर हो भी सकता है। भले ही प्रभास के बहुत फैंस हो, लेकिन टाइगर को इंडस्ट्री में एक अलग ही स्वैग है जिसे कोई नहीं निकाल सकता। अब ऐसे में तो हम ये कहेंगे कि रैम्बो के निर्देशक को इतना वेट किया गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। इन सभी के बीच टाइगर के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। टाइगर बागी 4, वॉर 2, हीरोपंती 3 और अन्य काफी प्रोजेक्ट्स में वापसी करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रभास बागी 4 को रिप्लेस कर पाएंगे या टाइगर खुद ही ये मूवी छोड़ देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज के हमारे स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।